प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन के सरकारी अखबार में लेख छपा है। मोदी पीएम रहे तो टकराव की आशंका कम। मोदी के तीसरे टर्म में बेहतर संबंध संभव है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का लेख है ये, जिसमें कहा गया है कि मोदी अगर तीसरे टर्म में बने रहे तो बेहतर संबंध जो है वो संभव है। साथ ही साथ ये कहा गया, आपको बताते चले कि अखबार में इस बात का जिक्र है कि मोदी पीएम रहे तो टकराव की आशंका कम है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें अब आपको बता देते हैं। चीन के भविष्यवाणी, मोदी का तीसरा टर्म क्या कहा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह कहा गया कि मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम, मोदी से बेहतर निजी संबंध, मायने इसके क्या वो आपको बता रहे हैं। विदेश नीति पर आगे बढ़ेंगे, दुनिया में अच्छी छवि की कोशिश। और साथ ही साथ ये कहा गया कि आर्थिक प्रगति जारी रखेंगे। अब इसका अर्थ ये है कि व्यापारिक रिश्ते ठीक रहे। तो चीन के ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा गया है वो ये कि स्थिर द्विपक्षीय संबंध दोनों के हित में है, यानी कि चीन हो या फिर भारत दोनों के हित में है, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। और ये कहा गया है, इसके संकेत ये कि किसी तरह का टकराव नहीं चाहता, भारत के साथ संबंध और बेहतर होंगे, अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश, ये भी इसके संकेत हैं, ये भी इसके मायने हैं। चीन की भविष्यवाणी, मोदी का तीसरा टर्म, क्योंकि कल नतीजे आने वाले और उससे ठीक पहले ग्लोबल टाइम्स ने बकायदा एक पूरा लेख छपा है और मोदी के तीसरे टर्म को लेकर के जो एग्जिट पोल में, अधिकांश एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है उसको लेकर के ग्लोबल टाइम्स में ये पूरा लेख छपा, जिसमें इस बात का जिक्र है। अब मोदी फिर आ रहे हैं, LAC पर मुंहतोड़ जवाब दिया, घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की तो दुश्मनों में घबराहट भी है, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान। दुनिया में किस तरीके से अलग थलग पड़ा ये भी हमने देखा। कश्मीर पर दुनिया साथ नहीं दे रही है, वो भी कई मसलों पर हमने देखा कि किस तरीके से ये दोनों देश बैकफुट पर नजर आए। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज ही बना। आतंक पर इंटरनेशनल मंच पर बेपर्दा हुआ पाकिस्तान, बार बार हर बार बेपर्दा हुआ। दक्षिण चीन सागर में घेराबंदी, पीओके से भारत के साथ की मांग, ये भी मांगे पीओके से उठती रही है, वो तस्वीरें भी आपने देखा। और अब देखिए किस तरीके से दोनों का जो रुख है वो बदलता हुआ भी नजर आता है। लेकिन अमेरिका रूस दोनों से मोदी के अच्छे रिश्ते हैं। मुस्लिम देशों में भी मोदी की धाक देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री जब अरब कंट्रीज जाते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर उनका सत्कार हुआ। और अब जो एग्जिट पोल की जो बात कही जा रही है उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छपा। अब एग्जिट पोल के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है, मोदी आए तो अखंड भारत बनेगा, ये पाक मीडिया कह रहा है, यानी कि पाकिस्तान में इसको लेकर के इस वक्त मची है खलबली। एग्जिट पोल के बाद पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति, पाकिस्तानी मीडिया में अब इसको लेकर के चर्चा हो रही है और पाक मीडिया ये कह रहा है कि मोदी आए तो अखंड भारत बनेगा। और अखंड भारत की गूंज तो इन सालों में आपने देखा कि किस तरीके से देश में भी बहुत तेज सुनाई देती है और कई बड़े चेहरों की तरफ से ये बात कही गई। अब पाकिस्तान में भी इसको लेकर के चर्चा देखने को मिल रही है, यानी कि पाकिस्तान में इसको लेकर के टेंशन। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, भारत में एग्जिट पोल से टेंशन में पाकिस्तान। आपको बताते चले कि TV एग्जिट पोल में आम चुनाव में भारतीय पीएम मोदी की जीत का अनुमान लगाया गया। मंगलवार को नतीजे घोषित होने पर मोदी की तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण भारत के बहुसंख्यक विश्वास के आक्रामक चैंपियन वाली उनकी छवि है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की तरफ से ये कहा गया है, डॉन में इस बात का जिक्र। पाकिस्तानी मीडिया में एग्जिट पोल पर अब चर्चा हो रही है, मोदी की आहट से इस वक्त पाकिस्तान में बेचैनी देखने को मिल रही है। मशहूर पत्रकारों ने कई तरह की आशंका जाहिर की है, पाकिस्तान को अखंड भारत योजना से भी डर सताने लगा है। पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार को मिलाने का खौफ है इस वक्त, और इसी को लेकर के जो पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हैं वो कई तरह की आशंका जाहिर करते हैं और पाकिस्तान में इसको लेकर के बेचैनी भी सिर चढ़कर बोल रही है। पाक मीडिया मोदी को मुस्लिम विरोधी बता रहा है। संविधान बदलने के आरोपों को लेकर के भी इस वक्त पाकिस्तान में चर्चा है। तो देखिए पाकिस्तान में एक तरीके से खलबली मची हुई है। भारत के चुनाव नतीजे पर दुनिया की तो निगाहें हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन इसको लेकर के लगातार वहां पर चर्चाएं बेहद तेज हैं। लेकिन पाकिस्तान के अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो पाकिस्तान में बेचैनी इस वजह से भी, क्योंकि आप देखेंगे बीते 10 वर्षों में
जो आक्रामक रवैया हमने देखा कि किस तरीके से भारत ने अपने स्टैंड को पुरजोर तरीके से रखा, यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क चाहे जितने भी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे थे कि उनको बाकी मुल्कों का साथ मिले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कई मसलों को लेकर के चीन और पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आया। और अब जब अधिकांश एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कि मोदी के तीसरे टर्म को लेकर के आंकड़े बता रहे हैं, हालांकि एग्जैक्ट पोल तो कल आएगा, लेकिन उससे ठीक पहले एग्जिट पोल्स को लेकर के जो चर्चाएं हमारे देश में चल रही है, ऐसी ही चर्चा पाकिस्तान और चीन में भी है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान में इसको लेकर के बेचैनी नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की अगर बात करें तो ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अगर सत्ता पर काबिज होते हैं तो रिश्ते और संबंध जो हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, ये चीन कह रहा है। यानी कि चीन की जो चालाकी है, चीन को पता चल गया है कि वो अब किसी काम के नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जो वहाँ की मीडिया है वो अब इस बात की चर्चा कर रही है कि मोदी एक बार फिर से सत्ता में आए तो अखंड भारत की जो योजना है उसको लेकर के वहाँ पर चर्चा चल रही है, और इसको लेकर के एक डर भी पाकिस्तान के भीतर। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, इस वक्त मौजूद है। त्रिपाठी सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और चर्चाएं तो बहुत तेज चल रही है जब से सातवें फेज का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद से एग्जिट पोल में जो डाटा और आंकड़े सामने आ रहे हैं, और तमाम जो आंकड़े हैं वो इस बात को लेकर के इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। हालांकि कल पता चलेगा, लेकिन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े यही कहते हैं। इसको लेकर के पाकिस्तान और चीन में खलबली, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो या फिर डॉन, क्या बताती है? देखिए, मैंने दोनों के आर्टिकल पढ़े हैं। ग्लोबल टाइम्स ने भी ये कहा है, उसमें झांग यू विंग का एक आर्टिकल निकला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं, और अगर सत्ता में आएंगे तो फिर से ये अपनी पॉलिसी भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की और भारत की डिफेंस और स्ट्रेटेजिक आउटलुक को आगे बढ़ाने की करेंगे। और उन्होंने इसी में ये भी कहा है कि एक डायरेक्टर हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के नेशनल स्ट्रेटजी यूनिवर्सिटी सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के क्वेंग फेंग ने ये कहा है कि मोदी आ रहे हैं और मोदी की पॉलिसीज वही रहेंगी, और उम्मीद ये है कि मोदी जो है, जो मोदी टू में जो चीन के साथ संबंधों में ज़्यादा तनाव आया था उसको नहीं करेंगे और शायद अब कुछ और अच्छे ढंग से ये करेंगे। इसी में एक और लिंग मिंग वांग का भी दिया गया है जो कि फुडान यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि लेकिन ये हमारे नहीं समझ में आता कि अगर चीन के साथ बाकी सारे दुनिया के लोग संबंध बढ़ा रहे हैं तो भारत क्यों नहीं बढ़ा रहा है। बहरहाल चीन का अभी रुख कुछ स्पष्ट नहीं है, हालांकि चीन में खलबली ये है कि मोदी फिर से आ रहे हैं तो आगे अगले 5 साल में क्या होगा। रही जहाँ तक बात पाकिस्तान की और डॉन के आर्टिकल की, तो डॉन के आर्टिकल में तो निकला है कि हाँ, ये मोदी का तीसरा टर्म होगा, लेकिन डॉन में, लेकिन पाकिस्तान में अभी खुद ही अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर इतनी खलबली मची हुई है। आपने देखा कि पीओके में, जिसको वो तथाकथित आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ क्या हाल हुआ, वहाँ लोगों ने बगावत कर दी, तब 2300 करोड़ रुपये की उनको राहत देनी पड़ी शहबाज शरीफ को, और उसके साथ ही साथ वहाँ KPK ने भी इसी के बेसिस पे कहा है कि अगर आप आज़ाद कश्मीर को वो कर रहे हैं तो फिर आप हमें भी राहत देने को हम भी बगावत करेंगे। तो वहाँ तो खुद ही ये परेशानी हो रही है। हालांकि ये बात है कि इसको देखते हुए शायद आपको ध्यान होगा कि नवाज शरीफ ने देखिए अभी कुछ दिन पहले कहा था कि कारगिल में हमारी गलती थी, हमने झूठ बोला था मीडिया से, ये हमने समझौता तोड़ा था भारत से, उससे लेके लगता है कि शायद पाकिस्तानी हुक्मरानों के मन में यह है कि अब तो आगे 5 साल तक तो मोदी को ही झेलना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है, वही कहावत है कि इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम, कि मोदी के साथ रिश्ते अपने अच्छे किए जाए। और सबसे बड़ी बात है त्रिपाठी सर, क्योंकि हम अगर बीते 10 वर्षों का अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस हमने देखा है। हमने देखा कि किस तरीके से भारत ने जो अपना कद है वो वैश्विक स्तर पर किस तरीके से बढ़ाया है। क्या यही एक कारण है कि चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान, अब दोनों की तरफ से यही कोशिश है कि संबंध और प्रगाढ़ बने? देखिए,
ऐसा है, एक चीज आप अगर स्पष्ट रूप से देखेंगी तो पाएंगे कि चीन की इकोनॉमी डाउन जा रही है, अमेरिका की इकोनॉमी पे संकट फिर से दो इकोनॉमिक रिसेशन का आ रहा है, ईयू की ऑलरेडी डाउन हो चुकी है, पाकिस्तान और श्रीलंका किसी गिनती में नहीं है, कभी भी श्रीलंका तो कंगाल तो दिवालिया होने वाला था, पाकिस्तान भी होने वाला था, आईएमएफ ने बचा लिया, आईएमएफ ने। चीन की इकोनॉमी खराब है, 2% 2.5% के रेट से बढ़ रही है। तो इस सबके बीच में खाली भारत ही ऐसा देश है जिसकी आर्थिक व्यवस्था लगातार तेजी से आगे जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी पिछले महीने बढ़ी है, तो इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, इस सब को देखते हुए ये लगता है कि इन देशों को ये लग रहा है कि हमें भारत के साथ दोस्ती करने में वो आ रही है, लेकिन दोनों को ये क्योंकि नया समझना भारत। होगा कि एक तो चीन को विस्तारवादी नीति अपनी छोड़नी होगी और पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ना होगा, तभी जाकर के वो एक टेबल पर बातचीत कर सकता है।